हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फुल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के सेकंड सेमेस्टर बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स की। फाइनली उनका सेकंड सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर आ चुका है। अब आपको पता चल जाएगा कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में रहने वाले हैं और आपको क्या ऑप्शनल में सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी। तो देखो सबसे पहले आज हम अब बात कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम के कोर्स स्ट्रक्चर की। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, आपको जो आपके कंपलसरी कोर्स है यानी इसमें जो आपके कंपलसरी कोर्स रहने वाले हैं वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फिर आपका जेनरिक इलेक्टिव में आपको कोई एक सब्जेक्ट लेने को मिलेगा, जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी और हिंदी। तो देखो अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश थी तो इस बार आपको हिंदी मिलेगी, और हिंदी थी तो इस बार आपको इंग्लिश मिलेगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है बात। तो संस्कृत, पंजाबी, उर्दू बहुत कम बच्चे लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जेनरिक इलेक्टिव में। फिर आपको ए ए सी में कोई एक क्वेश्चन आप सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं बंगाली है, हिंदी ए बी सी, जो भी आपको यहाँ पे देख सकते हो, आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। फिर आपका स्किल के कोर्स में आपको देखो फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। आपके पास अगर फाइनेंस फॉर एवरीवन थी तो इस बार आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच देखने को मिल सकता है। फिर आपका वैल्यू एडिशन कोर्स में आपको इंग्लिश मिल सकती है, हिंदी मिल सकती है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्यन, फिर आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिल सकती है, और योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस आपको ये मिल सकते हैं। तो बीकॉम प्रोग्राम का पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आप इसका प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं बीकॉम ऑनर्स की तरफ, बीकॉम ऑनर्स के क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो बीकॉम ऑनर्स का भी यही सेम है, सबसे पहले कंपलसरी में आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट लेने को मिल सकता है। फिर जेनरिक इलेक्टिव में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो आपके पास पिछली फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसे छोड़कर आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। फिर आपका है ए ई सी में, देखिए आप क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। फिर उसके बाद आपके स्किल कोर्स में आपको फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच, और आपका वैल्यू एडिशन में हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ आप देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और स्क्रीनशॉट ले लेना अपने अपने स्ट्रक्चर कोर्स स्ट्रक्चर का। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अपडेट्स को, ऐसे छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।